हेलो माय लवली स्टूडेंट इज मानसी वेलकम बैक टू चैनल सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब एटमोस्फेयर में भी जब भी लाइट आप तक पहुंचती है तो वो रिफ्रैक्ट करती हुई आती है क्यों रिफ्रैक्शन होता है वहां पर भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे आपकी अर्थ है आप यहाँ पे हो सारा एटमोस्फेयर है जब भी लाइट आएगी अलग अलग लेयर है एटमोसफेयर में सो अगेन वो रेयर से डेंसर मीडिया में पास होती हुई बेंड करती करती रिफ्रैक्शन करती करती हमारी तक पहुंचती है और इसकी वजह से काफी सारी चीजें होती है जो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं इसको रब कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं ठीक है चीके? चलो अब इसमें सबसे पहली चीज है फर्स्ट थिंग वी हैव एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड फायर ऑफ अ हॉट सर्फिस अपियर्स टू फ्लिकर वेन सीन थ्रू द एयर अब यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं जरा साइड पे हो जाती हूँ एंड इधर मैं एक वीडियो इंसर्ट करूंगी पहले आपको टॉपिक समझ में आ जाए देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आग के पीछे वाली चीज़ है वो कैसे फ्लिकर हो रही है एक्चुअल में वो हिल नहीं रही लेकिन हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे हिल रहा है तो इसका क्या रीजन है ये हमें समझना है चलो द हॉटर एयर इज लाइटर मतलब लेस डेंस जब भी जो भी है एयर अब देखो कोई जल रही है तो क्या हो रहा है हीट क्रिएट हो रही है तो जो एयर है वो क्या हो गई गर्म हो गई एयर तो जो गर्म एयर होती है वो लाइटर लाइटर होती है ओ सॉरी दैट इज मतलब जैसे यहाँ पे अगेन हम डेंसर और एयर की बात करें तो वो लाइट होती है कंपेयर टू कूलर एयर देन दैन कूलर एयर अब सो जहां पे आग लग रही है यहाँ की जो बेसिकली एयर है ये बहुत गर्म हो गई और इसके ऊपर जो एयर तो हर जगह ही है सो so, इसके ऊपर जो एयर है दैट इज कूल वो अभी तक कूल है सो एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर सो जो भी चीज लाइटर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है Refractive index क्या होता है आपको याद होगा लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिकली कोई चीज कितना बेंड कर रही है कितनी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है तो यहाँ पे हमने देखा जो लाइट एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइडर लेसर देन दैट ऑफ द कूलर एयर सो जो हमारी लाइट एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ओके okay. सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो एयर है आर नॉट स्टेशनरी द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट अब हो क्या रहा है ना देखो एटमोस्फेयर तो हमारे हो तो है नहीं स्टेशनरी तो है नहीं एटमोस्फेयर में भी चेंजेस आते रहते हैं तो वो बोल रहे हैं कि अब एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया हॉट एयर का अलग है कोल्ड एयर का अलग है सो so,

मूव कर रही है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा वो बस हमारी आईज में ये जो सारा प्रोसेस हुआ इस वजह से हो रहा है सो दिस वेवरिंग इज एंड इफेक्ट ऑफ दिसमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन और इस एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें वो चीज ऐसे वेव करती हुई या फ्लक्चुएट करती हुई अपीयर होती है आई होप दिस इज क्लियर चलो इसी की मैं ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं विच इज स्टार्ज वेन सीन नियर द ओरिजिन अपीयर डू टू एटमोस अब वो क्या कह रहे हैं अब शायद आपके लिए चीज बड़ी नहीं होगी कि भैया जब आप अपनी छत पे खड़े होकर तारे देख रहे होते हो जहां पे तारा होता है आपको वो एक्चुअल पोजिशन नहीं दिखती आपको वो थोड़ा और हाइट पे लगता है रीजन क्या है उसका चलो इसको समझते हैं पहले इसको इधर कर लेते हैं ठीक है ठीके? अब देखो आप यहां से ये यह आपकी छत है आप इस छत पे अपने खड़े हो एंड यहां से आप ऊपर तारे देख रहे हो ठीक है अब होता क्या है हमें पता है हम तभी देख पाते जब हमारी आंख पे लाइट आती है ठीक है तो मतलब उस स्टार की जब लाइट आप तक पहुंचती है तब सो so, क्या है कायदे से यहाँ पे एक्चुअल में स्टार है स्टार से लाइट निकल रही है ठीक है अब ये लाइट निकली एक्चुअल में इसको पहुंचना था आपकी तरफ लेकिन यहाँ पे एटमोस्फेयर है एटमोसफेयर है हमारा तो वो रिफ्रैक्ट करती हुई आएगी लाइट है ना सो so, यहाँ पे आई बेंड हो गई यहाँ पे नीचे आई फिर और बेंड हो गई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया चलो हम बच्चा साइड कर देते इसको इधर से हटा के ये यह यहाँ पे क्योंकि लाइट आई है आपको आपकी आंख पे लाइट पहुंची यहां से ठीक है अब आप आप जब यहां से उसको देख रहे हो तो आप ऐसे नहीं इमेजिन करोगे कि लाइट बेंड होकर आप यह आपको लगता है हमें तो पता है हमारा माइंड तो ऐसे इंटरप्रेट करता है कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है सो आपको लगेगा लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है मतलब यहां से जब आप सीधा जाओगे तो आपको स्टार यहां दिख रहा है बट एक्चुअल पोजिशन स्टार की कहाँ है इधर है लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग वो एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन की वजह से या वो इतना बेंड करते करते आइए कि आपको वो तारा ऊपर दिख रहा है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो आना यहाँ से चाहिए था यहाँ से लाइट पास हुई जैसे ही वो यहाँ पे हमारे एटमोस्फेयर में आई वो बेंड हो गई तो आपको दिखी लाइट यहाँ पे पहुंची तो आप उसको इमेजिन करोगे कि वो स्टार यहाँ पे है जबकि स्टार यहाँ पे नहीं है उसकी एक्चुअल पोजिशन ये है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर समझ में आ रही होंगी ये चीजें आपको चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड अब इसकी थ्योरी भी एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर आपको इसको चीज को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम top टू to bottom. अब टॉप से बॉटम में इंक्रीज होता है Because atmosphere जो ऊपर है that is rarer. और जैसे जैसे वो हमारे ओरिजन के पास आएगा तो वो डेंस होता जाएगा So वो रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा है ठीक है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता हुआ आ रहा है सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार नियर द ओरिजन हैजू ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम सो उसको रेरर से डेंसर मीडियम पे जाना पड़ रहा है एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज अ रिजल्ट द स्टार अपीयर्स हायर सो उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड होती हुई है जैसे हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ जैसे ही यहाँ पे वो वैसे तो देखो बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ बट हमें क्लियर समझते हैं कि ये एटमॉस्फेयर और यहाँ वो ओरिजन में एंटर कर रही है तो भाई यहाँ पे उसका नॉर्मल था तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल ठीक है क्लियर आई होप ये समझ में आ गया होगा इसी में ही एक और चीज़ है हमारे पास दैट इज एडवांस सनराइज सो तो इसी टॉपिक के हिसाब से अब वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो आपको सन दिखता है वो भी क्या हो रहा है आपको टाइम से पहले दिख जाता है मतलब अभी आपके उस पर आया नहीं लेकिन दो मिनट पहले आपको सन दिखना शुरू हो जाएगा उसका रीजन क्या है सेम यही रीजन है इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको इधर कर लेते हैं सो so, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमारा रीजन है यहाँ पे चलो फिर से वैसे ही बनाते हैं ये अर्थ है यहां पे हमें सन दिख रहा है यहाँ पे खड़े होकर हम सन देख रहे हैं अब हो क्या रहा है ना कि मान लो इधर यहाँ पे चलो उल्टा है मैं उधर ही बनाती हूँ फिर कंफ्यूजन होगी वरना आपको सन अभी यहाँ पे है ठीक है हमें पता है

और हमें लगेगा सन यहाँ पे है बट एक्चुअल में सन अभी नीचे है सो हमें दो मिनट पहले ही सन दिखने लग जाता है ठीक यह है यहाँ पे देख लो ये हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन हो गया एक्चुअल पोजीशन ये है सन की लाइट बेंड होके क्योंकि पहुंची है हमारे पास तो वो पहले पहुंच गई अब हमने लाइट जहां से आ रही है उधर सन को इमेजिन कर लिया सो दिस इज दी अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन एक्चुअल में सन यहाँ पे है ठीक है अब ये फिजिक्स पढ़ के लग रहा होगा कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है लगता कुछ है होता कुछ है है ना चलो अब यही है जो है सो पढ़ लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे द सन अपियर्स अबाउट टू मिनट्स अर्ली देन एक्चुअल सनराइज एंड सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट टू मिनट्स आफ्टर दन सेम चीज अब भी हो रही है सनसेट होने के बाद वो तो नीचे जा चुके हैं लेकिन लाइट उसकी आ रही है तो हमें दिख रहा है अभी भी इसीलिए उगने से दो मिनट पहले दिख जाते हैं और ढलने के दो मिनट बाद तक दिखता रहता है हमें बिकॉज ऑफ दैट लाइट एंड एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन सो वेन द सन इज बिलो ओरिजन द रेज है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम अगेन सन अभी ओरिजन से नीचे है लेकिन सन की जो रेज है जो सनलाइट है वो हमारी क्या हो रही है वो रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने के कारण और हमारी आंखों तक पहुंच रही है होते हुए. So, result, जैसे हमने बोला हायर देन एक्चुअल है सन भी हायर देन एक्चुअल पोजिशन मतलब वहां पर हमें दिखना शुरू हो गया जो कि उसकी अपेरेंट पोजिशन है एक्चुअल पोजिशन नहीं है आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अब ये जब हम आसमान में बचपन से सुनते आ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सो हमें स्टार्स जो है ट्विंकल करते हुए दिखते हैं क्या सच में ऊपर स्टार्स ऐसे, ऐसे 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 कर रहे हैं नहीं क्या रीजन है क्यों हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं आ जाओ स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉमस सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अब स्टार हमसे बहुत दूर है चाहे वो कितने बड़े हैं लेकिन इतना दूर है कि वो एक तो एक डॉट जितना हमें दिखता है ठीक है पता नहीं हम ऐसे स्टार बना तो देते हैं ऐसे लेकिन मुझे लगता नहीं आसमान में कभी इस तरह का हमने स्टार देखे एक डॉट की तरह हमें दिखता है सो so, मतलब हमारी आंखों तक जो लाइट आ रही है स्टार की वो एक डॉट की फॉर्म में आ रही है सिर्फ एक पोइंग सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है सो सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट कॉन्स्टेंट द लाइट फ्रॉम अ स्टार होता हुआ, आ बेंड होती हुई, दर -दर से आ रही है सो so, वो अलग अलग डायरेक्शन से हमारी आंखों तक पहुंच रही है नाउ दिस रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपन ऑफ स्टार एक तो हमें पहले ही पता है कि जो स्टार हमें दिख रहा है वो अपनी एक्चुअल पोजिशन पे तो है ही नहीं और ऊपर से जी लाइट भी उसमें से इतनी कम आ रही है सो so, वो फ्लक्चुएशन जो है अपेरेंट के साथ द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोसफेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो कभी लाइट ज्यादा आज आ पाती है कभी लाइट वहां से कम आती है क्योंकि पॉइंट से तो आ रही है लाइट सो so, कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है ठीक है सारे पॉइंट देखते रहे ना इसको ऊपर कर लेते हैं हम ठीक है जी द स्टार अपियर्स मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेज एंड द सेम स्टार डल विद लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज आप उस पॉइंट सोर्स से आप इमेजिन करो लाइट आ रही है कभी बहुत दाक आ रही है कभी बहुत कम आ रही है सो so, कभी वो बहुत ब्राइट दिख रहा है कभी वो डल दिख रहा है और ये ब्राइट डल ब्राइट डल जो हो रहा है अपेरेंट पोजिशन डायरेक्शली इतनी सारी चीजें आ गई तो वो हमें फ्लक्चुएट करता हुआ दिखता है जिसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ठीक है एक बार मैं आगे पूरी कंप्लीट कर देती हूँ बोथ दीज इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार उन दोनों इफेक्ट्स की वजह से ही स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा आगे देख लो स्कैटरिंग ऑफ स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ नहीं स्कैटरिंग इफेक्ट पढ़ना है बट वी आर गोइंग टू टेक दिस इन दी नेक्स्ट सेशन सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय